अपने कारनामों की वजह से रेवाड़ी नगर परिषद हमेशा सवालों के घेरे में रही है और इस बार नगर परिषद चुनाव संबंधित रिकॉर्ड को उपलब्ध ना करवाने के चलते सवालों के घेरे में है। नगर पार्षदों के चुनाव संबंधित रिकॉर्ड नगर परिषद के पास होने चाहिए, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी में नगर परिषद ने उनके पास रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने का जवाब दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिला उपायुक्त के पास भी अपील लगाई, लेकिन नगर परिषद ने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि पिछली दो योजनाओं के नगर परिषद के चुनाव विवादों के चलते देरी से हुए थे और इस बार भी नगर परिषद के चुनाव 2017-18 में हो जाने थे, लेकिन वार्डबंदी और आरक्षित वार्डों को लेकर विवाद बरकरार है, इसलिए अभी चुनाव होते नज़र नहीं आ रहे। और इस बीच शहर के रहने वाले साकेत ढींगड़ा ने वर्ष 2005 और वर्ष 2013 में हुए नगर परिषद चुनाव संबंधित जानकारी आरटीआई से मांगी थी, लेकिन 8 माह बाद मिले जवाब में नगर परिषद ने जानकारी न होने का जवाब दिया। आरटीआई में पूछा गया था कि नगर पार्षदों ने चुनाव के वक्त क्या दस्तावेज जमा करवाए थे और एफिडेविट में क्या इनकम और शैक्षणिक योग्यता दर्शाई थी, लेकिन इस आरटीआई का कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि जिला उपायुक्त के पास लगाई गई अपील में उन्होंने नगर परिषद को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कहा था, लेकिन नगर परिषद ने रिकॉर्ड होने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत के चुनाव का रिकॉर्ड जिला पंचायत एवं विकास कार्यालय में होता है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड जिला चुनाव कार्यालय में होता है और नगर परिषद के चुनाव का रिकॉर्ड नगर परिषद में होना चाहिए था, लेकिन नगर परिषद ने जवाब में सूचना उपलब्ध न होने का जवाब दिया, जबकि बावल नगर पालिका के चुनाव का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कहाँ गया नगर परिषद चुनाव का रिकॉर्ड। मैंने कुछ टाइम पहले आरटीआई लगाई थी नगर परिषद में, जो 2013 और 2005 के नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसे संबंधित मैंने आरटीआई लगाई थी कि उन पार्षद जो जीते हुए पार्षद थे उन सबके मैंने हलफनामे मांगे थे, जो फॉर्म नंबर 26 उन्होंने फिल करा था। पर नगर परिषद ने मेरे को सेकंड अपील में 8 महीने बाद बताया कि ये रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद मैंने दोबारा ये आरटीआई डीसी साहब के पास लगाई, डीसी साहब ने मेरी आरटीआई को इलेक्शन ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया। इलेक्शन ऑफिस ने यहाँ तक कि रिसीव भी नहीं करी, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड उपलब्ध विधानसभा और लोकसभा का रहता है। एसडीएम साहब के पास मैंने आरटीआई लगाई तो एसडीएम साहब ने नगर परिषद को फॉरवर्ड कर दी। नगर परिषद कह रही है कि हमारे पास ये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसे जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के आए हैं उसकी इनमें शैक्षणिक योग्यता, कितनी प्रॉपर्टी है, इन सब के बारे में होता है, पर इनकी ऐसी नगर परिषद के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। बल्कि बावल नगर पालिका के पास इससे संबंधित सूचना उपलब्ध है, नगर निगम गुड़गांव में से संबंधित सूचना उपलब्ध है, पटौदी में सूचना उपलब्ध है, सरपंच पंच की सूचना बीडीपीओ डीडीपीओ के पास उपलब्ध है। पर नगर परिषद का सबसे अलग ही जवाब रहता है हर बारी की तरह कि हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जी तो इस पे क्या मानते हैं, कहाँ गया आपके रिकॉर्ड? जी तो नगर परिषद जानती है कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, या तो नगर परिषद से रिकॉर्ड ये चोरी हो गया या नगर परिषद के अधिकारी रिकॉर्ड ढूंढना नहीं चाहते। अगर रिकॉर्ड चोरी हो गया तो उन्होंने कोई एफआईआर भी नहीं कराई। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट रहते हैं, इनमें पार्षदों की योग्यता होती है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में होता है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका क्या क्या काम करते हैं, सबके बारे में लिखा होता है। रिकॉर्ड गायब होना बहुत हैरानी वाली बात है।